दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे तिब्बत की एक ऐसी जगह के बारे में जो आने वाले समय में पूरी एशिया में तनाव का कारण बन सकती है। हम बात कर रहे हैं यारलंग सांगपो नदी के उस हिस्से की, जहां यह एक बेहद अनोखा यूटर्न बनाती है, जिसे ग्रेट बैंड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, यह कोई साधारण यूटर्न नहीं है। यहीं से यह नदी अपनी दिशा बदलकर सीधे भारत और बांग्लादेश की तरफ बहने लगती है, और भारत में इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। अब भले ही यह नदी हमारे लिए पवित्र और जीवनदायिनी ब्रह्मपुत्र हो, परंतु चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी नजरें सालों से इस यूटर्न पर गड़ी हुई हैं। इतना ही नहीं, आने वाले वक्त में यह यूटर्न पूरे एशिया के लिए एक नया जंग का मैदान बन सकता है, क्योंकि चीन का असली इरादा इस नदी पर सिर्फ डैम बनाना नहीं, बल्कि इस नदी के जरिए इंडिया पर अपनी पकड़ मजबूत करना है। और ऐसा होने दिया गया तो यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों, यारलंग जंबो नदी का यह हिस्सा हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसे यारलंग जंबो ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 505 किलोमीटर है, जो एरिजोना के ग्रैंड कैनन से करीब 50 किलोमीटर लंबी और 3 गुना गहरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैनन किसी भी वादी को कहा जाता है जिसके बीच से पानी बह रहा हो। चीन ने इस वादी का फायदा उठाते हुए यहां दुनिया का सबसे ताकतवर डैम बनाने का प्लान किया है, और वह भी इस जगह पर जो दुनिया की सबसे रिमोट लोकेशंस में से एक है। चीन की नजर इस यूटर्न पर पिछले 20 सालों से है, और इसकी सबसे खास बात इसकी ढलान यानी स्लोप है। यहां से नदी 7000 मीटर ऊंचे पहाड़ से होकर यूटर्न बनाकर दूसरी साइड से वापस आती है। मजेदार बात यह है कि इस लोकेशन पर नदी की ऊंचाई 2870 मीटर है, लेकिन यूटर्न के बाद यह ऊंचाई घटकर सिर्फ 870 मीटर रह जाती है, यानी यह ढलान करीब 2000 मीटर की स्लोप बनती है। चाइनीज एक्सपर्ट्स ने यहां डैम बनाने के कई प्रपोजल दिए हैं। इनमें से एक है 7000 मीटर ऊंचे पहाड़ के बीच टनल खोदकर हाइड्रो पावर स्टेशन बनाना, क्योंकि पहाड़ के वेस्ट में नदी 2870 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर इस जगह से पानी का रास्ता बंद कर पहाड़ के अंदर टनल खोदी जाए और नदी के पानी को पहाड़ के ईस्ट साइड से गिराया जाए, तो आप सुनकर हैरान होंगे कि यह प्रोजेक्ट 60 गीगावाट बिजली जनरेट कर सकता है। यह बिजली इतनी ज्यादा है कि दिल्ली जैसे 12 शहरों की एक साथ पूर्ति कर सकता है, और यह दुनिया के सबसे बड़े 3 गॉर्जेस डैम से बनने वाली बिजली से भी 3 गुना ज्यादा होगी। इस प्रोजेक्ट को मोट हाइड्रो पावर स्टेशन कहा जा रहा है। इसमें बनने वाली टनल की लंबाई करीब 40 से 50 किलोमीटर होगी, जिसके बीच में कई टरबाइन लगाए जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ पहले से ही नेचुरल दीवार का काम करेंगे। सिर्फ एक दीवार बनाकर पानी को रोका जा सकता है, और वहां से पानी को 2000 मीटर नीचे गिराकर ज्यादा फोर्स से बिजली बनाई जा सकेगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन को इसे बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है यह जगह, जो तिब्बत की सबसे रिमोट लोकेशन पर है, जहां कोई प्रॉपर रोड नेटवर्क नहीं है, और इसी के चलते इतनी बड़ी टनल बोरिंग मशीन को इस ऊंचाई पर पहुंचाना इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसके अलावा यह लोकेशन एक फॉल्ट लाइन पर है, जहां इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स मिलती हैं। 1950 में यहां से 200 किलोमीटर दूर असम में 8.5 तीव्रता का भूकंप आया था, और इस एरिया में अब तक 4000 से ज्यादा छोटे बड़े भूकंप आ चुके हैं। इसके साथ साथ यहां लैंडस्लाइड्स का खतरा भी बहुत ज्यादा है। 2021 में एक लैंडस्लाइड की वजह से यारलंग जंबो का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया था, और पानी को अपना रास्ता बदलना पड़ा था। इन सारी समस्याओं के बावजूद अगर चीन यह प्रोजेक्ट बनाता है, तो उसे इंडिया के साथ भी झगड़ा करना पड़ेगा। सोचिए, अगर चीन इस डैम को बना लेता है, तो वो हमारे देश की ओर आने वाले पानी को रोक सकता है और इस पानी के प्रवाह पर पूरा नियंत्रण कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो भारत और बांग्लादेश के लिए यह बड़ी समस्या बन जाएगी। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। चीन का असली इरादा सिर्फ डैम बनाना नहीं है,
वह इस नदी के जरिए पूरे एशिया में अपनी ताकत बढ़ाने की योजना बना रहा है। अब सोचिए, जब इतनी ताकतवर परियोजना इतनी संवेदनशील जगह पर बनेगी तो इसका असर केवल पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ेगा। चीन इस डैम के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। यह प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के नजदीक बन रहा है, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच पहले भी झड़पें हो चुकी हैं, और अगर यह डैम बनता है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। चीन के लिए यह प्रोजेक्ट क्यों इतना जरूरी है? इसका जवाब छिपा है चीन की बढ़ती बिजली की मांग में। चीन की विशाल अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उसे बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत है। चीन का लक्ष्य है कि वह 2066 तक अपने कार्बन एमिशन को कम कर सके, और इस डैम से उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। लेकिन सवाल उठता है, क्या चीन को अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए पर्यावरण और पड़ोसी देशों की सुरक्षा को खतरे में डालना चाहिए? इस प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय और राजनीतिक परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं, और यह पूरे एशिया में नए संघर्ष का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर आपकी क्या राय है? क्या चीन को यह डैम बनाना चाहिए, या उसे पर्यावरण और क्षेत्रीय शांति को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना पर पुनर्विचार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।